राधे राधे मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और होली का आनंद बड़े आराम से ले चुके होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक से एक मजेदार वीडियो आपके लिए ला रहे हैं, ज्ञानवर्धक वीडियो ला रहे हैं, आध्यात्मिक से जुड़ी हुई वीडियो आपके लिए ला रहे हैं और साधनाओं से जुड़ी हुई वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो जैसे जिसको जैसी साधना करनी है, और हमने आपको बताया कि आपको अगर कोई विशेष साधना करनी है तो आप फोन पे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे भक्तों की फोन आए और वो चाहते हैं कि इस बार हम भूत प्रेतों से छुटकारा पाने की वीडियो डालें, क्यों बहुत से भाई, बहुत से भगत जो नए नए भगत बने हैं वो कहते हैं हमारे पास ज़्यादातर भूत प्रेत के ही केस आ रहे हैं। तो भूतों से छुटकारा कैसे दिया जाए, कैसे ठीक किया जाए, किसी पे भूत है, किसी पे प्रेत है, किसी पे चुड़ैल है, तो कोई ऐसा आसान सा प्रयोग हो जिसे अपनाकर और जो हमारे दर्शक हैं इसका लाभ ले सकें, तो ये प्रयोग सबके काम आएगा। आम इंसान भी इस प्रयोग को आसानी से कर सकता है और भगत लोगों के लिए भी ये बहुत उपयोगी प्रयोग है। तो इसके लिए क्या करना है हमें, इसके लिए किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के आपको मंदिर जाना है। हनुमान जी का मंदिर ऐसा हो जिस मंदिर की आप परिक्रमा कर सकें, क्योंकि इस प्रयोग में परिक्रमा जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं बहुत से बाबाओं के दरबार में आप जाते हैं तो वो परिक्रमा जरूर करवाते हैं, कितनी परिक्रमा करो, इतनी परिक्रमा करो, तो इस प्रयोग में परिक्रमा बहुत जरूरी होती है। इसलिए वो परिक्रमा बताते हैं कि इस 5 परिक्रमा कर लो, 11 परिक्रमा कर लो, इतनी अमावस्या कर लो, इतनी पूर्णमासी कर लो, तो बहुत जरूरी चीज़ है ये। तो आपको क्या करना है, मैं एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ और मगर ये बहुत चमत्कारी और बहुत कारगर है। अगर इसे कोई भी दर्शक करता है जिसको किसी को समस्या है, पीड़ित है, तो उसको इससे बहुत लाभ होगा। करना क्या है, मंगलवार को आपको शाम के समय हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाना है और आपको भगवान का चोले का सामान लेके जाना है। चोले में क्या क्या ले जाना है, चमेली का तेल ले जाना है, सिंदूर ले जाना है, वर्क ले जाने हैं और 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेके जाना है, एक हनुमान जी की झंडी लेके जानी है, चने ले जाने हैं, लड्डू ले जाने हैं, एक पान का बीड़ा ले जाना है और 5-10 रुपये की आप लौंग ले जाएं। ये आपको मंगलवार के दिन शाम को मंदिर में लेके जाना है। मंदिर में ले जाकर हनुमान जी के आगे आपको मत्था टेकना है सबसे पहले। हाँ, धूप दीप भी ले जानी है आपको, दीपक ले जाना है, धूपबत्ती ले जानी है, सुगंधि सी बढ़िया सी जिसकी खुशबू अच्छी हो, गुलाब की हो तो और बढ़िया। हनुमान जी से को नमस्कार करना है, फिर हनुमान जी को आपको चोला चढ़ाना है, चमेली के तेल सिंदूर में मिलाकर बड़े आराम राम से प्यार प्यार से श्री राम जी का या राम स्तुति का जाप करते हुए या सीता राम का जाप करते हुए, क्योंकि राम जी का जाप हनुमान जी को बहुत प्रिय है, अति प्रिय है, राम नाम बहुत प्रिय है। कोई भी अगर राम का नाम का जाप करता है तो हनुमान जी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको राम नाम जपते हुए या सीताराम जपते हुए उनको चोला चढ़ाना है। चोला चढ़ाने के बाद उनको जनेऊ का जोड़ा पहनाना है उनको, और जो आप 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले जा रहे हो फिर उनको उस कपड़े को उड़ा देना है। उसके बाद उनको मत्था टेकना है, दीपक जलाना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। जैसे आपके घर में कोई पीड़ित है, प्रेत बाधा से परेशान है, तो उसके लिए प्रार्थना करनी है कि हनुमान जी ऐसे ऐसे फलाने फलाने अमुक व्यक्ति को प्रेत बाधा है, भूत बाधा है और ये उसका नाम है, ये उसके पिता का नाम है, ये उसका ग्राम स्थान है, ये उसके जन्म स्थान है, वहाँ वो रहता है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु वो बहुत परेशान है, उसकी भूत बाधा है, प्रेत बाधा है या डाकनी साकनी जिन्ना कुछ भी है, उसको आप दूर कीजिए प्रभु, मैं उसके निमित्त ये आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपका पाठ कर रहा हूँ, आपका पूजन कर रहा हूँ। और अगर आपके ही परिवार में कोई है या तो आप अपने परिवार का भी ऐसे ही बोलना है, उस बंदे का नाम बोलना है, या कोई लेडीज़ है तो लेडीज़ का नाम बोलना है, कोई बुजुर्ग है तो उसका नाम बोलना है। इस तरह से हनुमान जी से प्रार्थना करके फिर आपको वहाँ धूप बत्ती जलानी है, हनुमान जी को पान का बीड़ा का भोग लगाना है और फिर आसन पर बैठ कर हनुमान जी के 11 हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। जो भक्त लोग ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम 11 पाठ तो आपको करने चाहिए। 11 पाठ होने के बाद
राम जी की स्तुति करनी है, उसके बाद फिर हनुमान जी की आपको आरती करनी है। आरती के बाद हनुमान जी को लड्डू का, जो आप लड्डू और काले चने ले गए हैं मुझे हुए, उसका भोग लगाना है और क्षमा प्रार्थना करनी है, कोई कोई गलती हो गई है तो हनुमान जी मुझे माफ़ करो। और जो रोगी है, जो पीड़ित है, उसके दुख को दूर करो प्रभु, उसे स्वस्थ करो, ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। और वो जो झंडी आप ले गए हैं तो हनुमान जी के मंदिर में वो झंडी चढ़ा देनी है। अगर कहीं लगाने का स्थान है झंडी का तो हनुमान जी के मंदिर में उस झंडी को आप बांध दीजिए, अगर नहीं स्थान है तो मूर्ति के पास ही आप उस झंडी को लगा दीजिए। मत्था टेक कर, भगवान को भोग देकर फिर मंदिर की आपको 11 परिक्रमा करनी है, 11 परिक्रमा करके। और हाँ, एक बात और बतानी है, जो आप लौंग ले गए हो उन लौंगों को जब आप दीपक जलाते हैं, पान का भोग लगाएंगे हनुमान जी को, तो लौंग हनुमान जी के चरणों में आपको रखनी है सारी की सारी। और जब आपकी पूजन विधि समाप्त हो जाएगी तो उस लौंग को 11 परिक्रमा करने के बाद उस लौंगों को आप उठा लो, उन लौंगों को घर ले आओ हनुमान जी को मत्था टेक कर। और जो रोगी व्यक्ति है, जो भूत प्रेत बाधा से पीड़ित है, उनमें से 11 लौंग लाल कपड़े में, या तो उसका लॉकेट बनाकर उसके गले में डाल दो या फिर उसकी बाजू में बांध दो। तो कैसा भी भयंकर से भयंकर प्रेत हो, जिन हो, भूत हो, कोई भी दुष्ट आत्मा हो, पिचासनी हो, पिचास हो, चुड़ैल हो, डाकनी शाकनी, नेगेटिव ऊर्जा जो भी होगी, तो उसको छोड़ के तुरंत भाग जाएगी। आप इसको जैसे ही बांधेंगे तो आपको असर खुद दिखेगा। ये इतनी शक्तिशाली, इसमें भगवान की शक्ति है कि वो बांधते ही नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी। और हाँ, जो हमारे भगत साधना कर रहे हैं, इसका दूसरा प्रयोग भी नोट कर लो। साधना करते करते, साधना के बीच में उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है और उनकी साधना जो है वो खंडित हो जाती है, या बहुत सी नेगेटिव शक्तियाँ जो साधक के साथ साधना काल में जुड़ जाती हैं और रात्रि में उनके साथ संभोग करने लगती हैं और उनका ब्रह्मचर्य खंडित करने लगती हैं, उनकी ऊर्जा को छीन करने लगती हैं, ऐसे साधक, ऐसे व्यक्ति जो इस समस्या से ग्रस्त हैं, जिनका ब्रह्मचर्य बार बार खंडित हो रहा है, अगर वो भी इस प्रयोग को करते हैं इस तरह से, तो उनको भी लाभ अवश्य मिलेगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत रोचक और बहुत लाभकारी लगेगा और आप इस प्रयोग को जरूर करेंगे, आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और इस उपाय को जो भी पीड़ित व्यक्ति आपके आसपास में, आप उसको बताएंगे या उसको करवाएंगे, इससे आप को भी पुण्य का लाभ मिलेगा और जो पीड़ित व्यक्ति है वो भी अपनी समस्या से मुक्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई सिद्धि साधना के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।